विराजमान मेरे आराध्य सद्गुरुदेव जी, मंच में आसीन परम पूज्य साहेब जी, अर्चनी वंदनी मुदमंगलमय संसमाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, दो दिवसीय कबीर गोष्ठी समागम का यह आयोजन आप सब श्रवण कर रहे हैं। वैसे भी ज्येष्ठ का महीना पूरे कबीरमय रहता है, हर जगह अपने अपने ढंग से कबीर गोष्ठी, कबीर विचार गोष्ठी, सत्संग का आयोजन कबीर जयंती के इस अवसर पर किया जाता है। और आज से नहीं, सदियों से करते आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत में, और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी कबीर अनुयायी हैं, कबीर विचार को सुनने और मानने वाले लोग हैं, वहाँ पूरे एक महीने तक कबीर विचार गोष्ठी कार्यक्रम चलता रहता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे पता है कि इस गांव में भी काफ़ी समय से, वैसे 15 साल पहले मैं खुद आया था, शायद गांव के लोग कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन 15 साल पहले भी इसी आसपास में एक कार्यक्रम हुआ कबीर जयंती के नाम से, एक दिन का, उसमें भी सम्मिलित हुआ था। पुनः आपके बीच कबीरी विचार गोष्ठी की इस पावन बेला में आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे आज की पूरी दुनिया, भारत ही नहीं, कबीर विचारों की ओर ही जा रही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखें तो आज का आदमी पहले से भी ज्यादा रूढ़िवादी, भ्रामक, चमत्कार, अंधविश्वास और छुआछूत जात पात से घोर डूबे हुए, आश्चर्य होता है। संत लोग भी सोचते थे, विचार करते थे, समाज सुधारक भी इस बात को समझने का प्रयास करते थे कि दुनिया के लोग शिक्षित हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे और अच्छी जिंदगी जीने लग जाएंगे तो शायद समाज से कुरीतियां समाप्त हो जाएंगी, छुआछूत की भावना समाप्त हो जाएंगी, जात पात समाप्त हो जाएंगे, रूढ़िवादी समाप्त हो जाएंगी, पाखंड, चमत्कार, भ्रम और अंधविश्वास भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसी वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक अनुसंधान को ही साधन बना करके उसी भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास का जोरों से प्रचार किया जा रहा है। जातिवाद में अखंड लोग डूबते चले जा रहे हैं। ऐसे समय में सदगुरु कबीर साहब 600 साल पहले जितना प्रासंगिक थे, उससे कहीं ज्यादा प्रासंगिक आज है। जितनी जरूरत सदगुरु कबीर साहब को उस समय नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा उनके विचारों की जरूरत अब है। और ये कबीर विचार की पराकाष्ठा नहीं है, ये कबीर विचार की विजय नहीं है, बल्कि इस भारत भूमि का दुर्भाग्य है। जिस भारत भूमि ने महात्मा बुद्ध जैसे महान आत्मा को जन्म दिया, महावीर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, कबीर, ऐसे महान विभूतियां यहां पैदा हुए, लेकिन दुर्भाग्य है आज भी हम अंधकार के युग में जी रहे हैं। ये कबीर विचार गोष्ठी नहीं है,
बल्कि ये अपने जीवन का मूल्यांकन करने की गोष्ठी है, अपने जीवन को समझने के लिए है कि आज हम कहां पर खड़े हैं। निसंदेह आप सब कबीर विचार गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं और मैं इस आयोजक बंधुओं को लाख लाख धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। मैं किसी का नाम तो नहीं जानता लेकिन पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों ने भी सहयोग किया उसके मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस तपती गर्मी में और ऐसी स्थिति में भी उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था दी, इसके लिए आप लोग करा एक बार तारीख बजाए। लेकिन इन सब करने की सफलता विशेषता तब होगी या फिर आपने जो समय दान दिया, पैसा दान दिए और इतना बड़ा आयोजन किए, इन आयोजन की सफलता तब होगी। ये केवल शाम होते होते 10 बजे सफल होने से कार्यक्रम तो सफल हो जाएगा लेकिन कार्यक्रम का जो उद्देश्य था ये तभी सफल होगा कि आप यहाँ से जब जाएं तो कबीर विचार को अपने दिल में, अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में उतार करके संकल्प ले करके जाएं। कबीर साहब ने डंके के चोट पे कहा, कोई भी बात को उन्होंने छुप करके या किसी किताब में लिख करके नहीं कहा। कबीर साहब ने कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में लिया लुआठा हाथ और जो जर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। कबीर साहब तो हजार के बाजार में बोलने वाले और किसी पोती पत्रा के चक्कर में पड़ने वाले नहीं थे। मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ और चार युग का महत्तम कबीर मुख ही जनाई बात। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है जब इस पंक्ति को मैं दोहराता हूं या सुनता हूं तो आज करके तथाकथित विद्वान लोग जो अपने को भारतीय दर्शन का, भारतीय साहित्य का, हिंदी जगत का विद्वान मानते हैं वो लोग कबीर साहब को अनपढ़ घोषित करते हैं। कौन लोग? उसी कबीर साहब के साखी दोहा को पढ़ करके पीएचडी करते हैं, उसी कबीर विचार को पढ़ करके विद्वान बनते हैं और उसी को पढ़ करके कबीर साहब को अनपढ़ होने का भी संज्ञा दे देते हैं। किसको? देखो कबीर साहब ने कहा मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ और चार युग की महत्तम कबीर मुखई जनाई। देखो कबीर साहब ने कहा कि मैंने कभी मसी और कागज स्याही छुआ नहीं है इसलिए कबीर तो अनपढ़ थे। लेकिन वो विद्वान भूल जाते हैं, एक अर्धाली को पढ़ लेते हैं, एक लाइन को पढ़ लेते हैं और दूसरे लाइन को काट देते हैं और दूसरे लाइन में सदगुरु कबीर साहब ने क्या चार युग का महत्तम कबीर मुख ही जनाई बात। ये चारों युग की जो महत्ता है, महत्व है, विशेषता है, हमारे संपूर्ण जीवन की, संपूर्ण सृष्टि की जो चर्चा है उस चर्चा को करने के लिए मुझे किसी कापी कलम या किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे तो मैं बोल करके ही कह सकता हूं। जिसका ज्ञान इतना अथाह हो जिसको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, जिसको कापी और कलम धरने की भी जरूरत पड़े उसके ज्ञान को क्या हम तौल सकते? लेकिन आज तथाकथित यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए विद्वान जो डिग्री कुछ कागज को लेकर के, और कबीर साहब ने तो कहा कि मैं कागज पर भरोसा नहीं करता, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आखन की देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। शायद हम लोग भी कागज कलम के चक्कर में पड़ जाते। देखो शिव पुराण में लिखा है, भागवत पुराण में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है या फिर अमुक कथाकार ने कहा है, अमुक प्रवचनकर्ता ने कहा है और इन सब बातों को सुन सुन करके हम करने लग जाते हैं। कबीर साहब ने आप और हम सबको निर्देश दिया कि हे लोगों
आप जो भी कुछ करते हो पहले विचार करो और विचार करके करो, और विचार करके जब कुछ करोगे, करो विचार जो सब दुख जाई, तो जीवन में सदैव सही दिशा में जाओगे और सफलता को प्राप्त करोगे। कबीर साहब का जीवन आज से 600 साल पहले एक ऐसे समय में उनका जीवन बीता, घर से भी गरीब, मेहनत मजदूरी करके जीवन जिए, समाज में बहुत विसंगतियां थी, एक तरफ हिंदू और मुसलमान आपस में कटिबद्ध थे और दूसरी ओर हिंदू समाज के ही ब्राह्मण वर्ग एक बहुत बड़े समाज को, जिसको आज शूद्र कहा जाता है, जिसको आप एसटी एससी या ओबीसी के नाम से जानते हैं, आप सबको जानकर के आश्चर्य होगा कि इन लोगों ने पढ़ने के लिए ही मना कर दिए थे। एसटी एससी और ओबीसी वाले लोग, आज की भाषा में बात कर रहा हूं, अब पहले के भाषा में तो केवल शूद्र कह लीजिए, वो सब कोई पढ़ नहीं सकता, वो लिख नहीं सकते, स्कूल जा नहीं सकते, वेद शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते। हमें सदगुरु कबीर साहब का धन्यवाद देना चाहिए, महात्मा बुद्ध का धन्यवाद देना चाहिए, फूले पेरियार का धन्यवाद देना चाहिए, जिन लोगों ने इस समाज में कुरीतियों को समाप्त करने के लिए डंका बजाया और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। कबीर साहब ने कहा, एक त्वचा हल मलमूत्रा एक रुधिर एक गोदा और एक बूंद से सृष्टि टची है को ब्राह्मण को शूद्रा। सबको एक लाइन में कबीर साहब ऐसे तार्किक थे, उसने कहा एकाए त्वचा हाड़ मल मूत्रा, सबके शरीर में एक त्वचा है, एक प्रकार का हाड़ है, एक ही प्रकार की लहू यानी खून भी है और एक ही प्रकार का वीरज वीर्य भी है और एक ही प्रकार का सबका जन्म भी होता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब थे, इसमें कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र है। इसलिए बंधुओं माता बहनों, यहां से आप जब उठ करके जाएं तो अपने दिमाग से जाति का जहर निकाल दीजिएगा, छुआछूत का जहर निकाल के जाइएगा। अगर आप छुआछूत को आज भी मानते हैं, जात पात के घोर जंजाल में फंसे हुए हैं, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप कुछ दूसरा तो हो सकते हैं, कबीरपंथी नहीं हो सकते। हाँ, जब तक समाज व्यवस्था है और समाज की एक व्यवस्था है तो शादी के समय में, पारिवारिक समय में आप जाति गोत्र पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेटी बेटा का लेन देन करना है उसलिए पूछ लीजिए। लेकिन बेवजह आप जाति धर्म को मुद्दा बना करके, और ये राजनेता लोग तो और घी में आग में घी डालने का काम करते हैं, आपको फंसाने का काम करते हैं। इसलिए राजनेताओं को भी जाल से मुक्त होइए, जाति धर्म के जाल से भी मुक्त होइए, छुआछूत से बाहर निकलिए। लेकिन कभी कभी मुझे कबीर अनुयायियों पर भी आश्चर्य होता है कि जो कबीर साहब जीवन भर सारे पाखंड को, सारे अंधविश्वास को, सारे चमत्कार को और सारे कुरीतियों को तोड़ने का, निकालने का, साफ करने का प्रयास किया, उसी सदगुरु कबीर साहब को भी अवतारी पुरुष बता देते हैं कि वो आसमान से आया था। हाँ, बहुत ऐसे सारे लोग हैं सदगुरु कबीर साहब को कहेंगे कि वो आसमान से धरती में आए थे, और वो प्रसिद्ध साखी आप सबने सुना ही होगा, पानी से पैदा नहीं श्वास ना ही शरीर और अन्य हर करता नहीं ताका नाम कबीर। ये बहुत प्रसिद्ध साखी है, इसका अगर सही आध्यात्मिक अगर समझ पाए तो बहुत सुंदर है। मसीह पानी से पैदा नहीं श्वासा ना ही शरीर अन्य हार करता नहीं ताका नाम कबीर। पानी से क्या पैदा नहीं हुआ, ये जीवात्मा, ये जीवात्मा किसी पानी यानी रज वीर्य से पैदा नहीं हुआ है, ये श्वास नहीं लेता, ये शरीर श्वास लेता है, शरीर पंचकोश से निर्मित है, शरीर में अंतःकरण है, मन है, लेकिन आत्मा में न शरीर श्वास है, न पानी है, न उसका जन्म होता है, न मरण होता है, और इस काया के अंदर जो वीर है वही कबीर है, वो जिसको आप कबीर आत्मा राम कहते हैं, और उसी को सदगुरु कबीर साहब ने जानने के लिए और जनाने के लिए कहा, हे भाई
जो मेरा परमात्मा है, मेरा राम है, वो कहाँ बसता है? तो जो मेरा राम है, जो मेरा परमात्मा है, दिल माँ खोज, दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा, जो मेरा राम है, जो मेरा परमात्मा है, वो दिल में वास करता है। इसलिए कबीर पंथ की विशेषता केवल दो है। इस दो विशेषता को बता करके, दो मिनट मेरा समय शेष है, उसको बता करके मैं अपनी वाणी को विराम करूं। कबीर पंथ की सबसे बड़ी विशेषता आज याद रखिए, कबीर पंथ ये कहता है, कबीर विचार ये कहता है कि आप जो कर्म करते हैं, चाहे पाप करें, चाहे पुण्य करें, चाहे जो भी प्रकार का कर्म करें, उस कर्म को कोई माफ करने वाला, क्षमा करने वाला या उस पाप को काटने वाला इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी ना जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इस सूत्र को याद रख लीजिए। इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितनों व्रत उपवास कर लीजिए, कितनों तीर्थाटन कर लीजिए, कि आपका पाप कटने वाला नहीं है। क्योंकि प्रकृति में क्षमा नाम की चीज नहीं है। क्षमा हो जाएगा नहीं। अगर बचना चाहते हैं तो कर्मों का सुधार करिए, जीवन को सुंदर बनाए, ये कबीर पंथ की, कबीर विचार की प्रथम विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि परमात्मा के पीछे हमें नहीं जाना है, हमारे जीवन को ऐसा अनमोल बना लें, अपने जीवन को इतना सुंदर बना लें, अपने जीवन को इतना पावन बना लें, वो परमात्मा हमारे भी पीछे आएगा। कबीर मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्योंकि हमारा परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। इसलिए परमात्मा को पाना नहीं, परमात्मा को जानना है और जान करके जागना है। यही कबीर पंथ की विशेषता है, कबीर विचार की विशेषता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जो समय दिया वो समय पूरा हुआ। इस आयोजक बंधु को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम करूं। बोले सद्गुरुदेव की जय।